इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के फ़ोन में ऐप क्लाउड क्या होता है। ऐप क्लाउड यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलेड बता रहा है। तो ये ऐप क्लाउड होता क्या है और इसका यूज़ कैसे है आपके फ़ोन में, इसको क्या आप इस रिमूव कर सकते हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सारा इन्फॉर्मेशन और सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके आप देख सकते हैं ऐप क्लाउड इस तरीके से हमें मिलता है। यहाँ पर जो है आप इसके अपडेट्स जो है अनइंस्टॉल भी मार सकते हैं। अपडेट इंस्टॉल में आने के लिए ऐप इन्फो खोलना है और उसके बाद इस डॉट्स पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाता है अनइंस्टॉल अपडेट्स। बेसिकली ऐप क्लाउड कैसे काम करता है वो समझते हैं। तो आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन होते हैं, ठीक, जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखे या फिर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐप फ़ोन के साथ मिले हैं, तो ये ऐप क्या करती है कि उनको एक तरीके से मैनेज करती है, ठीक है। क्लाउड का मतलब है कि स्टोरेज, ठीक है। ऐप का जो आपका फ़ोन है, ऐप जो आपके फ़ोन में है, उसका एक तरीके से क्लाउड यानी कि स्टोरेज उसका जो है सही तरीके से ये जो ऐप है वो देखती है। इस ऐप को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन तो है, लेकिन इसको अगर आप डिसेबल कर दिया, देखिए डिसेबल दिस ऐप में कॉज ऐप नॉट ऐप टू स्टॉप वर्किंग करेक्टली, मतलब आपके जो फ़ोन के ऐप्स है वो सही से करेक्टली काम नहीं करेगी। बाकी इसको डिसेबल भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके फ़ोन की प्रॉब्लम बढ़ती है, जिससे कि आपके फ़ोन के जो ऐप्स है वो ऑटोमेटिकली स्टॉपिंग की प्रॉब्लम या अदर प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इसको इनेबल ही रखिए, डिसेबल कभी भी ना कीजिए। बाकी यहाँ पे आपके फ़ोन के जो अदर ऐप्स है उसको एक तरीके से जो है सही तरीके से रखेगा, उसका डेटा वगैरह और उसका स्टोरेज वगैरह जो है कैलकुलेट करके आपको बताता रहेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।